2018 की बगावत झेल चुकी कांग्रेस 2023 के चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और यही वजह है कि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी टिकट के दावेदारों को कसम खिलवा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। भाजपा में टिकट वितरण के बाद उठे बगावत के सुर से कांग्रेस अभी से परेशान नजर आ रही है और टिकट वितरण के बाद किसी प्रकार की बगावत न हो इसको लेकर कांग्रेस के बड़े नेता विधानसभा के दावेदारों को कसम खिलवाकर शपथ दिलवा रहे हैं कि टिकट किसी को भी मिले सभी मिलकर कांग्रेस को जिताएंगे। ऐसा ही नजारा आष्टा में देखने को मिला जब जन आक्रोश यात्रा लेकर आष्टा पहुंचे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मंच से पब्लिक के सामने सभी दावेदारों को कतारबद्ध खड़े कर भगवान श्री कृष्ण गणेश जी और माता जी की कसम खिलवा कर शपथ दिलवाई कि टिकट किसी को भी मिले सब मिलकर एक को जिताएंगे। जरा ये राधा कृष्ण का मंदिर और माता जी का है गणेश जी का है, हाथ ऊंचा करो, कसम खाओ टिकट एक को मिलेगा, बाकी सारे मिलकर उसको जिताओगे, कसम खाओ, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, बोल गजानन गणपति भगवान की। तुम्हें गणेश जी की सौगंध है, भगवान राम की सौगंध है, माता जी की सौगंध है, सब एक चुपता से इस बार हाथ के बच्चे को जिताओगे कि नहीं जिताओगे तुम? अरे जिताओगे कि नहीं जिताएंगे। वहीं फिर पटवारी ने जनता से कहा कि ध्यान रखना इनका, बाद में किसी एक को टिकट मिले और कोई भी गड़बड़ करे तो समझ लेना जो भगवान का नहीं हो सकता हमारा क्या होगा। रखना इनने कसम खाई है, अगर बाद में एक को टिकट मिलेगा और कोई गड़बड़ करे तो ये भगवान के नहीं हो सकते तो अपने होंगे क्या? कसम खाओ कि जिसको पंजे का निशान मिलेगा उसको ताकत से जिताएंगे। भारत माता की। धन्यवाद भैया सबका। कुल मिलाकर एमपी में फिर से कांग्रेस की सरकार बनवाने के लिए जीतू पटवारी हर तरह के जतन कर रहे हैं जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, आष्टा।